अल्लाह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू द किचन स्टोरी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे। तो जी, जिसके लिए मैंने मूलियाँ ले ली थी 1/2 kg और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अच्छा जी, स्पाइसेस में हमने सबसे पहले सॉल्ट लिया है 1 tablespoon, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/2 teaspoon मैंने गर्म मसाला ले लिया है। 1 tablespoon मैंने चिली फ्लेक्स ले ली है। 1 tablespoon मैंने पिसा हुआ अनारदाना ले लिया है। 1 teaspoon मैंने चिकन पाउडर लिया है। 1 tablespoon मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है। सूखा पुदीना मैंने लिया है, तकरीबन ये 2 tablespoon होगा। और ये मैंने 1 teaspoon थोड़ी सी अजवाइन ले ली है। अच्छा जी, मैदा ले लिया है मैंने, तकरीबन 1 kg है। तो गूंथते हैं इसको। तो इसको नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदना है, लेकिन इसको ना ही ज़्यादा हमने सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा इसको हमने पतला कर देना है। तो गूंदते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने नमक या ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, इसको हमने सिंपल ही बस गूंद लेना है। तकरीबन हम इसको 5-7 मिनट इस तरह गूंदते रहेंगे, हल्का हल्का सा हाथ पे पानी भी लगाते रहेंगे। तो मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैंने 7-8 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया था। अब मैं इसको कवर करके ना तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जी, पैन मैंने रख लिया है, फ्लेम ऑन करते हैं। ऑयल ऐड करते हैं तकरीबन 3 tablespoon। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर जो मूलियाँ हमने कद्दूकश की थी ऐड करते हैं। चलें जी, चिली फ्लेक्स हमने डाल दिए हैं। नमक ऐड करते हैं, अनारदाना, सूखा पिसा धनिया, गरम मसाला, चिकन पाउडर, अजवाइन, मिक्स कर लेंगे इनको हम। अच्छा जी, इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये जो हमने सूखा पुदीना लिया है ना, इसको हाथों पर मसल के हमने यूँ डाल देना है इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा जी, इसको हम कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको हम पानी इसका खुश्क हो जाने तक पकाएंगे। तो देखते हैं। तो इसका पानी खुश्क हो चुका है। इस तरह से फ्राई करके मूली के पराठे बनाए जाएँ तो बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। जितनी देर तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है, उतनी देर में हम अपने आटे से पेड़े बना लेते हैं। 1 चम्मच तकरीबन मैंने ऑयल लगा दिया था ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। तो पेड़े करते हैं। सबसे पहले हाथ पे खुश्का लगाएंगे और छोटा सा हम पेड़ा उठाएंगे। ये देखें, इतने पेड़े हम रेडी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत मज़ेदार सी फिलिंग भी रेडी है और ये पेड़े भी मैंने कर लिए हैं जितने मुझे रिक्वायर्ड थे। बाकी जो मैंने मैदा गूंदा है ना, उसमें कम से कम 8-9 पराठे हमारे बन जाएंगे। तो चलिए पराठे बनाते हैं। पैन रखा है मैंने और हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं, हल्की कर लेते हैं जितनी देर हम अपना पराठा बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं, पेड़ा उठाते हैं, फैला लेंगे इसको हाथों से और फिर हम इसको ना बेल लेंगे। तो लफ है इतना साइज, इसी तरह मैं 2 बेल लेती हूँ। हाँ जी, तो ये 2 रोटियाँ मैंने बेल ली हैं, अब हम फिलिंग इसके अंदर भरेंगे।
फैलाएंगे अच्छी तरह से। तो ये फिलिंग मैंने लगा ली है। अब हम दूसरी रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर यूं रख देंगे और इसको बराबर कर लेंगे और साइडों को हम अच्छी तरह से ना प्रेस कर देंगे ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकल आए फ्राइंग के दौरान। होल कर लेंगे इसके अंदर हम ताकि जो इसके अंदर एयर है वो निकल जाए। अब हम इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। थोड़ा सा घी फ्राई पैन में हम लगा देंगे। पराठा हम इसके अंदर डाल देंगे। मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल में भी या बटर में बना सकते हैं। टर्न करते हैं इसको। इसको हल्का हल्का सा प्रेस करके ना अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना हमारा मज़े का पराठा रेडी हुआ है। मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का मूली का पराठा रेडी हुआ है। गुड लुकिंग और डिलीशियस, बहुत ही खुशबू वाला बना है ये देखें माशाल्लाह से। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का बनता है इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।